तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस हादसे में दो लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। गाड़ी के हालत देख सकते हैं कि गाड़ी बीच में से दो फाड़ हो जाती है और दोनों ही लोग थे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले जाते हैं। उनको देख सकते हैं मौके पर एम्बुलेंस बुला ली गई है ताकि दोनों के शवों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। गाड़ी में बड़ी बुरी तरह से दोनों के शव जो है फंस चुके थे। नए साल की सुबह एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है, एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है और गाड़ी में जो दो नौजवान थे उनके शव बुरी तरह से फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से उन दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है ताकि दोनों के शवों को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा सके। गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और दोनों ही बड़ी बुरी तरह से अंदर फंस चुके थे। आप देख सकते हैं समय एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों के शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने का काम किया गया और आप देख सकते हैं अब एम्बुलेंस की मदद से दोनों के शवों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। जिसकी नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, नया साल, जी हां नया साल कई लोगों के लिए मौत का ग्राफ बनकर आता है और आप देख सकते हैं दो लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हालत में हाईवे के साइड खदानों में मिलती है और दो लोग उसी में बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके शवों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर बलड़ी बाईपास के बिल्कुल नजदीक जो है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता, जहां पर बिजली का खंभा तोड़ दिया जाता है। बिजली के खंभे को गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके बाद बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त खड़ी है। आप देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इस गाड़ी को ऊपर खींचने का काम किया जा रहा है ताकि गाड़ी को बाहर लाया जा सके और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। बिजली की तार टूट चुकी है, खंभा टूट चुका है और बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है इस हादसे में हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नया साल कई लोगों के लिए मौत का काल बनकर आता है और आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है, जिसमें गाड़ी में ही दो लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं और दोनों की मौत हो गई है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं विचलित कर सकती है। बहुत ही भयानक सड़क हादसा है। गाड़ी में दो लोगों की लाशें फंसी हुई हैं। बुरी तरह से इस हुए हादसे में दो लोगों की जान चली जाती है और अब उस गाड़ी को साइड में किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। गाड़ी में जो दो शख्स बताए जा रहे हैं पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उन दोनों के शवों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। पुलिस की टीमें समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है ताकि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और इन दोनों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि गाड़ी में बड़ी बुरी तरह से ये दोनों लोग फंस जाते हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंच चुकी है। तो कितने बजे हादसा हुआ कुछ पता चला? ये सर अभी 10-15 मिनट पहले ही पता चला हमारे को फोन आया। दो लोग फंसे हुए अंदर बड़े? हाँ, दो लोग फंसे हुए, डेथ है, रोटेड है। बाकी सर डॉक्टर बताएंगे इस बारे में, मतलब फंसे हुए बुरी तरह। हाँ, बस फंसे हुए बुरी तरह। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नया साल की शुरुआत कोहरे के साथ होती है और किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनके जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। बिजली का खंभा टूट जाता है और बहुत ही भयानक सड़क हादसा इस समय करनाल के जीटी रोड पर, नेशनल हाईवे पर होता है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। क्रेन की मदद से इस गाड़ी को साइड में किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही भयानक सड़क हादसे में दो लोगों की जान जा चुकी है। दो लोग इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुके हैं, कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं। अब इस गाड़ी को साइड में किया जा रहा है। SHO मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं HR 27B8156 गाड़ी का नंबर प्लेट भी यहाँ पर पड़ी है, लेकिन हादसा बहुत ही भयानक होता है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो थाना
सिविल एनएसएच जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और गाड़ी को अब बाहर खींचने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है ताकि अंदर फंसे हुए जो दो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है इस समय, मॉडल टाउन चौक के इंचार्ज हैं वो मौके पर है, सिविल एनएसएचओ मौके पर है और इस गाड़ी में दो लोग बताए जा रहे हैं फंस चुके हैं बुरी तरह से। इस समय मॉडल टाउन चौक की प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने बजे हादसा हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? अभी सुबह जानकारी मिली थी, सूचना आई थी लगभग अभी आधा घंटा पहले और अभी निकाल रहे हैं। ये दो व्यक्ति फंसे हुए हैं खंभे के साथ। रात को एक्सीडेंट सुबह हुआ लगता है, सुबह सुबह दो लोग मर गए अंदर। हाँ, सुबह दो लोग एक्सपायरी है शायद, दोनों लोग ये बसंत विहार और टिकरी के रहने वाले हैं, एक बसंत विहार का और एक टिकरी का रहने वाला है। नहीं, ये अभी तेज गति से थी इसी कारण ही टक्कर हुई है, किसी और के साथ व्हीकल के साथ तो कोई टक्कर नहीं हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के अंदर से फंसे हुए दो शवों को बाहर निकाला जा रहा है। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। उनके जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और रो रो कर किस तरह से परिवार के लोगों का बुरा हाल है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसा है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं नया साल किस तरह से लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है क्योंकि सुबह तड़के काफी ज्यादा फोग देखी जा रही थी, काफी ज्यादा धुंध देखी जा रही थी और एक गाड़ी बुरी तरह से बिजली के खंभे से जा टकराती है जिसमें दो लोग गाड़ी के अंदर ही मर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उन दोनों के शवों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है, इस समय सूरज निकल जाता था लेकिन नए साल की शुरुआत जो है धुंध के साथ हुई है, कोहरे के साथ हुई है और बहुत से सड़क हादसे हाईवे पर इस समय देखे जा सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो ध्यान से चलिएगा क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध है, नेशनल हाईवे पर बहुत ज्यादा धुंध है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और जैसे ही ये हादसा हुआ, टिकरी क्लास के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दो लोगों की मौत हो जाती है। क्या नाम है इनके हालांकि अभी पता नहीं चल पाया। परिवार के लोग हालांकि मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और अंदर फंसे दो लोगों के शवों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। पुलिस मौके पर है, क्रेन मौके पर है, आसपास के तमाम लोग मौके पर है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा होता है जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधानी से करिए क्योंकि बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि गाड़ी के अंदर जो दो शव है वो बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप सीधा नेशनल हाईवे करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक होगी। इस गाड़ी को क्रेन की मदद से अब खींचा जा रहा है ताकि अंदर फंसे जो दो लोग हैं उनके शवों को बाहर निकाला जा सके। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है, आसपास के जो तमाम लोग हैं आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस कारण हाईवे पर भी लंबा जाम जो है यहां पर लग चुका है, गाड़ियों की कतारें यहां पर लग चुकी है क्योंकि क्रेन बुलाई गई है और क्रेन की मदद से एक्सीडेंट हुए दोनों लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो बिजली का खंभा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, बिजली का खंभा पूरी तरह से टूट जाता है और गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और दो लोगों के जो शव है वो अंदर ही इस समय फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का जो काम है वो यहां पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं जो दो लोग किस तरह से अंदर गाड़ी में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। बड़ी ही बुरी तरह से शव जो है अंदर फंसे हुए हैं, गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक टक्कर रही होगी। बहुत ही भयानक सड़क हादसा होता है और दो लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दो लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। किस तरह से दो लोगों की हादसे में जान चली जाती है, नया साल किस तरह से दो लोगों के लिए
मौत का ग्रास बनकर आता है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और अब दोनों ही शवों को किस तरह से हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा, दोनों ही शवों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है। नया साल, नए साल की सुबह दो लोग गाड़ी में सवार थे, बिजली के खंभे से टकराते हैं और दो लोगों की जान चली जाती है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और बहुत ही भयानक सड़क हादसा नेशनल हाईवे करनाल पर हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। बड़ा ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी में फंसे दो लोगों के शवों को एक से डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बाहर तो निकाल लिया गया और पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं हरकत में आती हुई और एम्बुलेंस को बैक कर ताकि शवों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। बहुत ही भयानक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। आसपास के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और क्रेन की मदद से इस गाड़ी को साइड में किया गया ताकि अंदर फंसे दो लोगों को निकाला जा सके। बिजली के खंभे को टक्कर मारने के बाद गाड़ी जो है सड़क किनारे जो खड्डे होते हैं, खदाने होती है, उसमें जा पलटती है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। देख सकते हैं मौके पर एम्बुलेंस बुला ली गई है ताकि दोनों के शवों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। गाड़ी में बड़ी बुरी तरह से दोनों के शव जो है फंस चुके थे। नए साल की सुबह एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो जाता है, एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है और गाड़ी में जो दो नौजवान थे उनके शव बुरी तरह से फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से उन दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है ताकि दोनों के शवों को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा सके। गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और दोनों ही बड़ी बुरी तरह से अंदर फंस चुके थे। आप देख सकते हैं समय एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों के शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने का काम किया गया और आप देख सकते हैं अब एम्बुलेंस की मदद से दोनों के शवों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही भयानक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई है, गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, आप देख सकते हैं गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है और एम्बुलेंस बुला ली गई है। एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल जो है दोनों के शवों को लेकर जाया जा रहा है। समय पुलिस की टीमें समय आप देख सकते हैं मौके पर है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर